हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बनारस आई हुई हूँ, और बनारस से पता है बनारस जल्दी जाग जाता है, तो हम लोग भी जल्दी जाग जा रहे हैं। और फिर आज 3 बजे हम लोग उठ गए, 3 बजे हाँ 3 बजे उठ गए, क्योंकि आज हम लोग की ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और ट्रेन आएगी कितने बजे, 6 बजे हाँ, हम लोग 4 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। हम सब रेडी हो गए हैं, ये लोग तो ऐसे ही रेडी हो गए हैं, हम जल्दी घर जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो ऐसे ही कह रहे हैं ऐसे चलो 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 ऐसे चलते हैं। तो सब लोग रेडी हो गए हैं और हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस, मिलते हैं आपको ट्रेन में, सीधे ट्रेन में नहीं, स्टेशन पे। तो अभी गाइज आ चुके हैं स्टेशन पे हम लोग, और मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी आ गए कि आराम से इनको, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है हम लोग को उस पर आराम से चले गए। पता नहीं क्यों बार बार प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, कभी 1 नंबर तो कभी 3 नंबर, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। 2 पे ही उतरना है ना, 2 पे है हाँ, 2 पे कहाँ गई मम्मी को बिठाने के लिए ले जा रहा है वो शिवम। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस पे की ट्रेन हमारी आएगी, और मीठी कृषि चले गए हैं उस पर कुछ ख़रीदने के लिए। इन लोगों का जब तक कुछ ख़रीदेंगे नहीं, इन लोगों का काम नहीं चलेगा। तो दोनों के दोनों वहाँ स्टॉल पे चले गए और धोखा दे दिए सब रिशा को, रिशा को नहीं ले गए सब। तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे सब कि नहीं, ले के नहीं गए सब तुम लोगों को, तो पता नहीं, थोड़ा लाउड लाउड पता नहीं। ईशा के साथ धोखा हो गया है, उसको लेकर नहीं गए हैं सब, ला रहे थे ईशा को, नहीं धोखा हुआ है मुझे लग रहा है। क्यों ईशा धोखा हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हें तो पूछा नहीं उन सबों ने। तो अभी गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये आ गया हमारा कोच नंबर। अभी गाइस फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई है, आगे जाना भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो हमें डर लग रहा था कि ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए हमें हमारी सीट मिल गई। और ये वही ट्रेन है जिससे हम आए थे, इसी ट्रेन से हम जा भी रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए क्या हो रहा है, मजे से लोग मोबाइल लेकर के देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऋषा क्या कर रही है, क्या मीम्स शुक्र है, इधर मम्मी बैठी हैं, कुछ इंतजार कर रहा है बैठी हैं। तो फ्रेंड्स कृषि का आ गया कोल्ड ड्रिंक, और एक मिनट लेकर के आया है कुरकुरे, क्या लेके आया है कुरकुरे, कुर्रम 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 कर्रम मजेदार लज्जेदार स्वाद स्वाद बेलिचर लिचर पापड़, पहले पापड़ लज्जत पापड़ का ऐड ऐसे ही आता था, कुर्रम कर्रम। और वो मीठी क्या लेकर के बैठी है, टकाटक क्या लिया है मीठी और ऋषा ने, टकाटक खाओ यही सब तुम खुल गया ड्यू ड्यू मॉन्डे ड्यू। गाइस अब हम लोग का स्टेशन आने वाला है, और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने स्टेशन के आने का। यहाँ मोटी बैठी हुई है, कोई उठ नहीं रहा, सबसे बोल रही हूँ कि उठ जाओ, सामान कैसे उतरेगा, इतने सारे लोग हैं हम लोग। तुमको यही रुकना है क्या, ले ली मीठी सब ले ली होगी, चलो तभी गए। अरे कितना आगे यार लेकर के आ गई ट्रेन, बहुत आगे आ गए हम लोग। उफ कितनी गर्मी हो रही है, गोरखपुर जा रहे हो मधुर भैया के पास, मारूंगी चलो बाद में जाना, कहीं जाना
यहाँ से उतरिएगा, ये बीच वाले में से, यहाँ से बीच वाले में से यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं। और ये रही मेरी मम्मी, ये रही मेरी दादी, मेरी बुआ, और तो नहीं। मम्मी क्या बोल रही हो? सो गाइस, हम लोग घर आ गए। देखिए कैसे सब लोग अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं और यहाँ मम्मी अपना चल देंगे। लड़ाई चालू हो चुका है क्या सबका? ये क्या, तुम ऐसे क्यों बैठ गई आते ही? और बिस्तर पे नहीं बैठना है, ट्रेन में से आप लोग आए हैं, उतरिए बिस्तर पर से। ये क्या बात है? गंदा कपड़ा पहन पहन के बैठिए चेयर लेके। हम घर पे आ चुके हैं और पापा मेरे घर का हाल बहुत बेहाल कर चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैला दिए पापा हर सामान। आप ऐसा मेरा टेबल हो गया है। और अब बुआ और रिशा और ओम जा रहे हैं कश्यप। रिशा, आर यू हैप्पी कि तुम कश्यप जा रही हो? yeah. अभी ये रो रही थी गाइस, कसम से अभी ये रो रही थी। रो नहीं रही थी? झूठ, हम रिकॉर्ड किए स्नैपचैट में। अच्छी बात है। यहाँ पे मम्मी चावल दाल बना के गई थी, बुआ और छौका लगा रही है दाल में। देखो चावल अभी नहीं बना गाइस। रिशा, हम लोग पास्ता खाने वाले थे, क्या हुआ पास्ता का? मना कर दिए सब लोग क्योंकि दाल चावल बन रहा था। मना कर दिए। और गाइस अभी हम लोग आम भी खाए थे। हाँ, सीजन का पहला आम तुम मेरे यहाँ खाई हो रिशा। हाँ, और ये भी। हाँ ये देखिए गाइस, बहुत सारा भुट्टा आया हम लोग, क्या पापा के फ्रेंड भेजे हैं। एज यूजुअल हमारा ओम बच्चा यहाँ पे है। क्या कर रहे हो ओमू? अच्छा ओम, सबको बता दो कि तुम किससे लाइफ पे बात किए थे कल। कल वो तुमको लाइफ में ऐड किया था ना। हाँ टून। तो ओम क्या, वो तुमसे क्या बात कर रहा था बताओ? पहले क्या बात की है तुम हार्टून से? एक्चुअली इंस्टाग्राम पे हार्टून लाइव आया था तो ओम ने उस ओम को वो कनेक्ट किया और ओम उससे बात किया। ओम क्या क्या बात की सबको बताओ। मैं उससे बोला कि मैं तुम्हारी सारी वीडियो देखता हूँ। तो क्या कहा? कुछ कहा नहीं, सुना नहीं। अच्छा सुना नहीं। और क्या वक्त है, वक्त वाला बोले थे तुम? अच्छा, और तुम अपनी मम्मी से जब कहे कि मम्मा मैं हार्टून से बात कर रहा हूँ तो हार्टून क्या कहा? पूरे मोहल्ले में बता दो क्या? कैसा लगा तुमको हार्टून से बात करके? अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और ईशा बेचारी, बहुत बार उसको लाइव में रिक्वेस्ट भेजी बट वो नहीं एक्सेप्ट किया इसका। अच्छा सैंड ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा वो अगर ईशा दी नहीं बात कर पाई। तो फ्रेंड्स अब हो गई है शाम और हम लोग दिन में बहुत सोए, 3-4 घंटे सोए सब लोग, बहुत ज्यादा थकान होने की वजह। सब आए नहाए जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ भी ये हुआ कि कुछ भी बना लो, चावल दाल बना लिया हम लोगों ने, खा लिया, सो गए। तो शाम को उनकी में चाय वाय तो हम लोगों ने पी और मोंटी चली गई उनके घर से, आ गए लोग लेने के लिए। और अब बस हम लोग रह गए और मैं जा रही हूँ मैंगो खाने। सब लोग को मैंगो कट करके दे दिया, मैं भी जा रही हूँ खाने। और वीडियो को गाइस यही ऐड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए, इस तरह की पॉजिटिविटी। एंड बाय बाय।